गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मेरे मित्रों यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को अभिनंदन दिस इज पार्ट एट ऑफ द मेडिटेशन ऑन द समन ऑन द माउंट और आज भाग आठवा है उस संदेश का जो पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह ने दिया था आई आई एम श्योर दैट मैनी ऑफ यू होर रेगुलरली लिसनिंगव बीन ब्लेस्ड एंड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट द बी एटीट्यूड्स रियली मीन और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो लगातार इसको सुनते आ रहे हैं आपको एक अच्छा समझ और ज्ञान मिल गया है कि ये धन्य वचन जो है इसका अर्थ क्या है और आज का जो मनन है वो मती रचित सो उसका अध्याय के नौ पद से लिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि धन्य है वे जो मेल कराएंगे क्योंकि वे लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे सो लेट्स गिव फ्यू मिनट्स एज वी मेडिटेट ऑन हु पीस सो आइए कुछ समय को लेकर हम इस पर मनन करें कि ये मेल कराने वाले लोग कौन है दोज स्ट्राइव टू प्रिवेंट कंटेंशन एंड स्ट्राइव और वो लोग जो प्रयास करते हैं कि किसी तरह का मतभेद या कोई झगड़ा ना हो विच इवन बिटवीन वार और जिसमें यहाँ तक जो राष्ट्रों के बीच में युद्ध है वो भी शामिल है हु यूज देयर इन्फ्लुएंस टू रेक अपोसिंग पार्टी और जो अपने प्रभाव को इस्तेमाल करते हैं कि दो युद्ध करने वाले या झगड़े करने वाले लोगों के बीच में मेल कराना एंड इज टू प्रिवेंट लॉसूट और उनका कोशिश यही रहता है कि, uh, uh, कि कोई uh, कचहरी ना जाए एंड हॉस्टेलिटीज इन फैमिली और परिवार जनों के बीच में कोई uh, बैर ना हो एंड ऑल्सो क्वारलिंग नेबर्स और पड़ोसियों से झगड़ा ना हो सो दो फीस बी टी विदम देर दीस मेकर दो ऐसे लोगों के बीच में मेल लाने की कोशिश करते हैं उन्हीं को कहते हैं मेल कराने वाले एंड देर एक्टिव एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट पीस एंड साल कैन ऑफन रिजल्ट इन ब्रिंगिंग रिडेम्शन टू ऑल और शांति और एक मेल को लाने के प्रयास में इसका परिणाम ये हो सकता है कि हरेक को शांति मिले और हर एक के बीच में एकता हो ना वॉट पीस मीन और शांति का अर्थ क्या है पीस मीन्स एवरीथिंग दैट मेक्स फॉर अ मैं हाइस्ट गुड और शांति का अर्थ यही है कि मनुष्य के सबसे उत्तम भलाई को जो उत्पन्न करता है पीस धन्य वो लोग हैं जो मेल कराने वाले हैं और ना कि जो शांति से प्रेम रखते हैं well, we क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति शांति को पसंद करता है बट हाउ मेनी ऑफ़ अस आर रियली मेकिंग एन एफर्ट टू मेक पीस लेकिन हमें हम से कितने लोग प्रयास करते हैं कि ये शांति जो है ये बना रहे देर इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ मेकिंग पीस और शांति लाने का एक गलत तरीका भी होता है सपोज देर इजल थ्रेटनिंग एंड डेंजरस सिचुएशन और मान लीजिए एक ऐसे समय आता है कि खतरनाक हो जाए एक बहुत खतरनाक एक समय आ जाए सो सम तो हमें से कुछ लोग कहेंगे फॉर पीस sake डू नॉट टेक एनी एक्शन शांति के कारण आप आगे कुछ ना करेंट इट लेट इट जस्ट कूल by itself। और शांति के लिए आगे कुछ ना करें, सब कुछ अब सारा मामला ठंडा हो जाए वी थिंक बाई डूइंग सो We love peace hum हम सोचते हैं कि ऐसे करने से हम शांति से प्रेम करते हैं lekin लेकिन think deeply agar अगर हम गहराई से we in fact piling up more troubles for the future। हम आगे के लिए भविष्य के लिए और भी परेशानियों को खड़ा कर रहे हैं बिकॉज वी रिफ्यूज टू टेक एक्शन विच द सिचुएशन demands। क्योंकि जो जो परिस्थिति हमारे सामने होता है उसके साथ जो हमें सही करना है हम वो सही नहीं करते हैं इन द बाइबल बाइबल में पीस नॉट कम फ्रॉम इवेशन ऑफ इश्यूज और मामलों को किनारे करना या उसे नजरअंदाज करना उससे शांति नहीं आती है इट कम्स फ्रॉम फेसिंग दैम एंड डीलिंग विद एंड शांति तभी होता है जब हम मामलों का सामना करेंगे और उसके प्रतिउत्तर देंगे और उसके ऊपर पाएंगे ओनली वे यूंग और यही एक तरीका है कि हम स्थायी रीति से एक शांति को बना के रखेंगे दो ऐसे विरोध करने वाले लोगों से is brought by establishing a right रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड और शांति लाया जाता है कि जब हम पुरुष और स्त्री के बीच में या मनुष्य के बीच में एक समझौता को एक सही कार्य को करें सच पीपल आर एट पीस विद गॉड और ऐसे लोग परमेश्वर के साथ शांति में रहते हैं Therefore, दे आर एट फीस विद्व और इसलिए आप में वो शांति में रहते हैं।, और ऐसे ही लोग सबसे होते हैं कि वो मेल कराने वाले विद गॉड आपको परमेश्वर के प्रति शांति बनाए रखना है यू मस्ट बी एट फीस विथ यू और अपने आप के साथ शांति में रहना चाहिए In Jesus. और यही सबसे उत्तम गुण हम यीशु मसीह में देखते हैं and, 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 and और इसका उदाहरण हम उत्पत्तिरवे अध्याय में देखते हैं how, his, their, their और वहाँ पर हम पढ़ते हैं किस प्रकार अब्राहम ने अपने भतीजे लूत और उनके अब्राहम के दास जो उनके साथ झगड़ा करते थे उनके बीच में एक शांति को लाया एंड आई एंकर ऑल ऑफ यू टू रीड दैट चैप्टर जेनेसिस चैप्टर 13 एंड डिस्कवर फॉर यूर हाउ ब्यूटिफुली अब्राहम केम आउट फेस द सिचुएशन एंड फाउंड द सल्यूशन एंड और मैं आप सब लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस तेरहवें अध्याय उत्पत्ति के आप पढ़ें और अपने आप के लिए आप देख लें कि किस प्रकार बहुत अच्छे से अब्राहम ने उस परिस्थिति का सामना किया और उसका हल निकाला एंड इट सीम्सम बिग प्राइज फॉर दैट और ऐसे लगता है कि अब्राहम को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इस काम को करने के लिए आई मेकिंग पीस नेफ्यू इट सीम्ड्रम वॉज द लूसर और ऐसे लग रहा था कि अपने भतीजे लूत के साथ शांति बनाने के लिए उसको एक बहुत बड़ा एक कीमत चुकाना पड़ा बट इफ यू स्टडी द लाइफ ऑफ बोथ Abraham and लेकिन अगर आप दोनों अब्राहम और लूद के जीवन का अध्ययन करें लेटर ऑन यूल डिस्कवर हुईनर आपको पता चलेगा कि अंत में आखिर कौन सबसे ज्यादा लाभ पाया हु प्रूव टू बी दुडे नोन एज और अंत में हम देखते हैं किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ और आज भी वो सिर्फ परमेश्वर के मित्र नहीं लेकिन परमेश्वर के एक बहुत बड़े सेवक भी कहलाए so जाते सो so ये धन्य वचन कहता है पीस मेकर्स फॉर दे आर कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे ना इट मींस दे आर दोज हु रिसेंबल गॉड हु मैनिफेस्ट अ स्पिरिट लाइक गॉड स्पिरिट और इसका अर्थ यही है कि वे लोग वो हैं जो परमेश्वर का के समान है और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। For God इज the author of peace, क्योंकि परमेश्वर जो है वो ही शांति का राजकुमार है। And when है। Jesus became a man, और जब यीशु मसीह एक मनुष्य बन गया, So many names were given to him. यीशु को बहुत नाम दिए गए। He would be called the प्रिंस ऑफ फीस और यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहलाया गया एंड सो दो सू सीख फीस और इसलिए वे लोग जो शांति को खोजते हैं लास्टिंग फीस अन यू हैव जीसस क्राइस्ट द प्रिंस ऑफ हिमसेल्फ को नहीं पाएंगे, जो कि शांति का राजकुमार है एंड वे लोग जो कोशिश करते हैं कि शांति को बनाए रखें, आर लाइक हिम एंड आर वर्दी टू बी कॉल्ड His children. वे लोग के समान है और योग्य है कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाए one? क्या आप ऐसे एक पुत्र बनना चाहते हैं Remember, they are the ones who live and reign with their heavenly Father as His children. और याद रखें वही लोग हैं जो परमेश्वर पिता के साथ रहेंगे और शासन करेंगे परमेश्वर के पुत्र के समान सो गॉड ब्लेस यू सो परमेश्वर आप सब को आशीष आशीर्वाद यू मेक ऑल एफर्ट एंड एंड ऑफ टू फाइंड पीस विथ गॉड विच विल ब्रिंग पीस विथ योअर सेल्फ विच विल अल्टीमेटली विल बी द ग्रेटेस्ट गेन इन योर लाइफ और जबकि आप पूरा प्रयास करते हैं कि आप उस शांति को पाएंगे और वो शांति पाने से आप ही सबसे बड़े लाभ को हासिल करेंगे इज अ ग्रेट डे और आज एक बहुत अच्छा दिन है एंड दिस डे यू मे फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग पीस और हो सकता है आपको एक अवसर मिले कि ऐसे लोगों के बीच में शांति को लाएं। रिमेंबर नॉट अवॉइडिंग द प्रॉब्लम और याद रखें

टू ओपो पार्टी और परमेश्वर आपको आशीष दे जबकि आप अपने आप को दे देते हैं इस काम के लिए कि आप दो लोगों के बीच में या दो समूह के बीच में आप शांति या मेल बी टू इंडिविजुअल हो सकता है दो व्यक्ति हो इट मे बी टू फैमिली हो सकता है दो परिवार हो इट मे बी टू फॉर्मर फ्रेंड्स या तो दो मित्र के बीच में परमेश्वर आप सब एक अच्छा दिन बिताएं। और बी अ मेल कराने वाले आप यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं वी लर्न पीस इज ऑल अबाउट एंड हाउ वी कैन ब्रिंग पीस बिटवीन ऑपोजिंग पार्टी और हमने सीखा है कि किस प्रकार मेल कराने से और दो लोगों के बीच में मेल कराने से आ, हम आपके कैसे हो सकते हैं लॉर्ड वी वांट बी पीस मेकर्स प्रभु हम मेल कराने वाले लोग बनना चाहते हैं एंड वी नीड योर grace और हमें आपकी अनुग्रह की आवश्यकता है वी नीड योर होली स्पिरिट आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है सो वी ऑफर आवरसेल्फ टू यू फॉर यू टू तो us. so, हम अपने आप को सौंप देते हैं कि आप हमें इस्तेमाल करें थैंक यू धन्यवाद ये शु के नाम से मांग आमेन आमेन